चिंता में आओगे कि हम बहुत विद्वान हैं, आचार्य हैं, हम भी कथाचार्य हैं, हम भी कथा प्यास हैं, हम भी दार्शनिक हैं, हम भी फिलोसफर हैं, हम भी तर्कशील हैं, हम भी कुतर्की हैं, हम भी गुणज्ञ हैं, हम भी ज्ञानी हैं, या हम भी समझदार हैं, या हमने भी कथा सुनी है, तो तुम्हारी कुछ समझ में नहीं आई। हलवा के रसिक बन करके आओगे तो एक एक बात तुम्हें कन्हैया से जोड़ने का भगवान की कथा दिमाग का विषय है। और ये पता नहीं विद्वान कैसे इस बात को देखते हैं, हमारी जो मंत्र छोटी सी मती कहती है, हमारा जो मानना है, भगवान की कथा को याद भी नहीं किया जा सकता। हम जितना पढ़ते हैं ना वो रस्ते में ही भूल जाते हैं। गाड़ी में ही सीताराम साधु जी में कब भूल जाते पता ही नहीं चलता। यहां तो वही निकलता जो वो बुलवाता है, उसे जो प्रिय लगता है, क्योंकि भगवान भाई जिसकी प्रॉपर्टी है उसी की बापोती, भाई जिसकी प्रॉपर्टी होगी बापोती भी उसी की होगी। परमात्मा की प्रॉपर्टी ही परमात्मा की कथा है, तो परमात्मा की बापोती है और परमात्मा वही बुलवाता है जो उसको प्रिय है। आज की कथा का सूत्र मेरे पाग में बहुत प्यारा है। भगवान दिमाग का विषय नहीं है, परमात्मा की भक्ति तो दिल का विषय है। दिल से इसे तो दिल से पाया जा सकता है, समझा जा सकता है। और मैं ये बात भी बोलूं तो बुरी बहुत ज्यादा अतिशयोक्ति नहीं होगी कि भगवान का देखो क्षमा करो विकल्प मत चुनो। हम लोग ना हर चीज का विकल्प चुनते हैं। अच्छा ये नहीं मन में आया तो ये ठीक है, ये नहीं मिला तो ये मिल गया, ऐसा नहीं हुआ तो ऐसा ही हो जाए, नहीं विकल्प मत चुनो। विकल्प जो चुनता है वो हमेशा घाटे का सौदा करता है।